हेलो एवरीवन। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सांची को स्कूल से छोड़कर आई हूँ। टाइम आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए 9 बजने वाले हैं। और वैसे मैं 8:05 या 10 पे आ गई होंगी, सांची को छोड़ के 5 पे तो आई गई होंगी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था वो किया, और मुझे पूजा करनी थी तो सबसे पहले मैंने पूजा कर ली है, क्योंकि सांची को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है ना, तो इस वजह से फिर पूजा में लेट हो जाता है, सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो पूजा मैंने कर ली है और मैं थोड़ी देर योगा करूंगी, तो उसके बाद मैं अपने कामों में लग जाऊंगी। ज्यादा टाइम मुझे मिलता नहीं है, कभी कभार टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ। तो आज मैं कर रही थी योगा थोड़ी देर, तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो चलिए फिर मैं फटाफट से योगा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर कर रही हूँ अनुलोम विलोम। और वैसे तो खुली जगह पे करो जहाँ पे अच्छी हवा हो, जैसे कि छत वगैरह पर, लेकिन इतने लेट में तो धूप आ जाती है, छत पर तेज़ धूप लगने लग जाती है, तो इस वजह से मैं छत पर नहीं कर रही हूँ। वैसे टाइम हो तो फिर सुबह जल्दी उठकर ना छत पर किया जा सकता है, लेकिन बस मैं थोड़ी देर यहाँ पे ही करूँगी और फिर अब मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो थोड़ी देर मैंने जो भी योगा करना था मुझे कर लिया था मैंने। और वैसे मैं आजकल डेली नहीं करती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, कभी मिल जाता है टाइम तो मैं कर लेती हूँ, कभी मैं नहीं भी करती हूँ। तो झाड़ू लगा रही हूँ और हाँ, पूजा वगैरह तो मैंने कर ही ली। तो इस बार हमारे नवरात्रि का जो व्रत है वो नहीं है, तो इस वजह से मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो नॉर्मल सी जो मैं डेली वाली पूजा करती हूँ बस वही कर लेती हूँ, और जो फूल वगैरह चढ़ाने होते हैं वो चढ़ा लेती हूँ, तो बस यही होता है। और वैसे ना सुबह उठकर छत पे टहलना तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, और टाइम हो तो बाहर भी जा सकते हैं अगर बाहर जाने का है थोड़ी देर भी, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पाता है कि मैं बाहर भी जाऊं या छत पर भी जाऊं, तो बस वही है मेरा तो डेली का ही। तो झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा मैं पोछा लगाऊंगी, और वैसे मैं नहा ली थी लेकिन पोछा मैं वाइपर से लगाऊंगी, तो बस बैठकर नहीं लगाना है क्योंकि नहाने के बाद फिर बैठकर पोछा लगाना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं वाइपर से ही लगा लूँगी जल्दी से। तो 1 साल होने वाला है, अभी हमने कोई भी त्यौहार नहीं मनाया है, तो 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम त्यौहार मनाना शुरू करेंगे। और जैसे कि कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं ना तो सही रहता है, थोड़ा चेंज भी हो जाता है, बदलाव हो जाता है ना, नहीं तो मतलब जो ज़िंदगी है वो एक जैसी ही चलती रहती है, त्यौहार आता है तो कुछ अलग सा भी हो जाता है और हमें ना थोड़ी एनर्जी भी मिल जाती है, और इसके साथ साथ हमारा माइंड भी जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, तो फिर अच्छा रहता है और बच्चों को भी अच्छा लगता है, नहीं तो बच्चों को भी ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो कोई भी त्यौहार आता है ना तो हम थोड़े दिन उसकी तैयारी में लग जाते हैं, तो जिसके वजह से हम मतलब थोड़ा भी दुखी होते हैं या जो भी हमारे अंदर कुछ भी चल रहा होता है ना तो हम उसको थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन भूल जाते हैं और त्यौहार को मनाने में जुट जाते हैं। तो सारा काम निपटाने के बाद और उसके बाद मैं थोड़ी देर टीवी देखने लग गई थी, मतलब बैठ गई थी टीवी देखने के लिए, और थोड़ा देर मैंने टीवी देखा उसके बाद, मतलब वही है कि जब काम करते हैं ना तो थोड़ा उसके बाद थोड़ा आराम भी करना चाहिए। तो फिर उसके बाद अब मैं किचन में आई हूँ और मैंने यहाँ पे आटा गूंथ के रखा हुआ था, तो बस अब मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ, और आज ना लंच में रोटियाँ ही बनाई जाएंगी, चावल नहीं बनाऊँगी, और आटा भी ख़त्म हो रखा है, थोड़ा सा ही है, मतलब है अभी लेकिन थोड़ा सा ही है तो लाने के लिए है, और चावल भी लाने हैं, चावल भी थोड़े से ही हैं, तो आटा और चावल लेकर आना है मुझे। तो देखती हूँ, शाम को जाती हूँ मार्केट, तो बस एक ही चीज़ लेकर आऊँगी फ़िलहाल, तो क्योंकि इकट्ठा तो ला नहीं पाऊंगी मैं आटा भी चावल भी, तो एक आइटम आज ले आऊँगी एक कल ले आऊँगी। और आज मैं सोच रही थी कि आपके साथ में अपना फुल डे रूटीन शेयर करूँ, लेकिन जितना हो पाया है उतना मैंने शूट किया है और उतना आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ।
और व्लॉग जो है वो छोटे ही हो जा रहे हैं, तो आगे मैं सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे व्लॉग जो है उनको लंबा भी बनाऊँ, तो अभी देखते हैं, कोशिश करती हूँ और कोशिश अभी जारी है। और एक तो क्या है ना कि मेरा ये जो फ़ोन है वो हो गया है ख़राब, तो इसका जो कैमरा है वो भी ख़राब हो गया है, तो मुझे ना बड़ी प्रॉब्लम आती है, और जो इसकी बैटरी है ना वो भी फटाफट से ख़त्म हो जाती है। तो जब भी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो कितनी बार तो मुझे इसको, जो ये फ़ोन है इसको बीच बीच में चार्ज करना पड़ता है। और ये देखिए कैमरे में ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है इसके, तो जब तक नया फ़ोन नहीं आ जाता है तब तक थोड़ा मतलब मुझे प्रॉब्लम होगी ही, तो बस यही है। तो नया फ़ोन आ जाएगा तो मैं थोड़ा लंबे ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, कोशिश मैं अभी भी कर रही हूँ, पर वही है बार बार ना बैटरी ख़त्म हो जा रही है, तो बार बार मुझे चार्ज करना पड़ रहा है फ़ोन। और अभी ना शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, मतलब टाइम 7 बज गए हैं, वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अभी आप लोगों के साथ में ये ब्लॉग शेयर करना है। अभी मुझे मार्केट भी जाना है, मुझे कुछ सामान लेकर भी आना है, फल भी लेकर आने हैं, और उसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है। सांची गई है ट्यूशन, तो जैसे ही सांची ट्यूशन से आएगी तो उसको भूख भी लग जाती है, तो उसके लिए खाना भी तैयार करना होता है, वो जल्दी खा लेती है, उसको भूख लग जाती है। और कल तो नवरात्रि का लास्ट डे है, मतलब कल नवमी है, तो कल तो बच्चों की खैर स्कूल की छुट्टी है, लेकिन फिर भी मुझे अपने ही टाइम पर उठना पड़ता है क्योंकि हस्बैंड के लिए लंच वगैरह भी तैयार करना होता है, और भी कई सारे काम हो जाते हैं करने को। बस यही है कि सांची को स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ी रोटियों में घी लगा रही हूँ, थोड़ी रोटियाँ मैंने अलग कर ली हैं, मैं घी वाली रोटियाँ नहीं खाती हूँ ना, तो इसलिए मैंने अपने लिए अलग कर ली हैं रोटियाँ। तो रोटियां बन गई हैं और गैस अभी ना गर्म है, तो इसलिए मैंने अभी साफ़ नहीं किया है इसको, मैं बाद में साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने बनाई थी दाल सुबह, और सुबह मैंने बनाई थी चना दाल और घिया, ये देखिए, तो इसके साथ में ले लेंगे दही। और बस आज लंच में ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस रोटियां ही बनानी थी, आटा मैंने पहले से गूंथ के रख लिया था, तो बस लंच बन चुका है। और अब ना टाइम भी 1:30 बजने वाले हैं, अभी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। और अब बस मैं फटाक से अपने बाल बना देती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ सांची को लेने के लिए, और लाइट मैंने ऑफ कर ली है, तो फटाफट से बाल बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जूस पी रही हूँ, और सांची से मैंने नमकीन मंगवाई है क्योंकि काफ़ी दिन से मैं लाई नहीं हूँ, आजकल ना ज़्यादा नमकीन खाने का मन नहीं होता है। टाइम देखिए 5:45 हो रहे हैं, पानी की मोटर चलाई थी तो यहाँ पे टंकी भर गई है। बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।